बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानते हैं। अगर आपको बेवजह का स्ट्रेस और डिप्रेशन रहता है तो क्या कीजिएगा? जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, वहाँ धूप, सूर्य, चंद्रमा इक्वल बैलेंस में आते हैं, वहाँ परेशानियों का डट कर सामना कर पाने की हर इंसान में शक्ति होती है। जिस घर में रेगुलर सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, वहाँ पर बुध, सूर्य और चंद्रमा सम्मान करते हुए परेशानियों का डट कर सामना करते हैं। यानी कि जो लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं तो सुबह और शाम नियमित रूप से पौधों को पानी दिया करें। ऐसे में आपके अंदर से एंग्जाइटी गायब होगी, परेशानियों को डट कर लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। मुझसे फोन पर आप कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले आपको खुश करने वाली एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अपनी मसल्स का पेन गायब करने के लिए 1 ग्राम शुद्ध हींग बिल्कुल बारीक पीसकर अंडे की जर्दी यानी कि अंडे की वाइट पोर्शन में मिलाकर आप जहाँ पर पेन है वहाँ पर उसको पैक की तरह लगाइए, आपको आराम मिलेगा। और एक बात, गेहूं की रोटी एक तरफ से सेक कर दूसरी तरफ से कच्ची रखें, फिर कच्चे भाग पर आप सरसों का तेल लगाकर गर्म करें और फिर दर्द वाली जगह पर बांध दीजिए। इससे जिनको दर्द है उनको बहुत आराम मिलता है। और चूना और शहद मिलाकर लेप करने से भी आपकी मसल्स का पेन में आपको रिलीफ मिलता है। और 1 गिलास पानी में 2 चम्मच जीरा डालकर गर्म करें, फिर इस गर्म पानी में साफ कपड़ा भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए और इसकी स्टीम से वहाँ पर सेक करें जहाँ पर दर्द है और देखिए कितनी जल्दी आराम मिलता है। यही नहीं, एक और बात, राई के दानों को बिल्कुल बारीक पीस कर गर्म करके दर्द वाली जगह पर बार बार उसका लेप करने से भी आराम मिलता है। छोटी सी बात और, गर्म दूध में 3-4 छोटी इलायची पीस कर मिला दीजिए, फिर 1 चुटकी हल्दी डालकर रात में सोते समय पीजिए, बहुत आराम मिलेगा। नहीं, एक और बात सुनिए, 100 ग्राम मेथी दाना हल्का सा भून लें और फिर इसको हल्का सा कूट कर 1/4 भाग इसमें काला नमक मिला दीजिए और इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच खाइए। 15 से 20 दिन खाने में ही आपको आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में। बात करते हैं अगर राहु और शनि खराब हैं तो क्या होगा। तो ऐसा इंसान जब भी अपना बिस्तर छोड़ेगा तो उनका बिस्तर हमेशा फैला हुआ होगा, सिलवटें ज्यादा होंगी, चादर कहीं, तकिया कहीं, कंबल कहीं होगा। ऐसे लोगों की पूरी जो डे का रूटीन है वो भी कभी कभी ऐसे ही तहस महस रहेगा, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। इससे बचने के लिए उठते ही अपना बिस्तर खुद समेटे, चाहे बच्चे क्यों ना हो, और आपका जीवन बिल्कुल मैजिकल तरीके से सुंदर होता चला जाएगा।